बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रजनी की रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आने वाली है तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस। फ्रेंड्स, गणेश जी के प्रसाद के लिए मैं उनके फेवरेट रोज मावा मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आइए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं रोज मावा मोदक हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमें रोज मावा मोदक बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी दूध ले लिया है, एक कटोरी मैं मिल्क पाउडर ले लूंगी, करीबन एक चौथाई कटोरी मैंने रोज सिरप का लिया है, आप रू अफ़ज़ा भी ले सकते हैं या रोज सिरप भी ले सकते हैं, और मोदक की स्टफिंग के लिए मैंने कुछ टूटी फ्रूटी ले ली है। बस एक चम्मच हम घी का ले लेंगे और एक टीस्पून हम रोज एसेंस का लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम रोज मावा मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस के ऊपर मैंने एक बर्तन ले लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने गैस जो है वो चालू नहीं की है, बंद गैस में ही मैं ये बर्तन में पहले दूध डाल दूंगी और साथ ही साथ मैं इसके अंदर जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था, मिल्क पाउडर भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसे हम मिला लेते हैं ताकि जो मिल्क पाउडर और जो मिल्क है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने गैस स्टार्ट नहीं करी है, पहले इन दोनों चीजों को मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर लूंगी बंद गैस में ही। देखिए फ्रेंड्स, दूध और मिल्क पाउडर जो है वो आपस में बहुत अच्छे से अब मिक्स हो गया है। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और इसे मैं पका लूंगी जब तक मेरा मावा रेडी। हमारा मावा जो है वो पकना स्टार्ट होएगा, इसके अंदर मैं एक चम्मच घी का डाल दूंगी और इसे भी मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कंटिन्यूसली मैं इसे हिला ही रही हूँ फ्रेंड्स, करीबन 8 से 10 मिनट ही लगते हैं और हमारा हाई फ्लेम के ऊपर जो मावा है वो तैयार हो जाता है। 10 मिनट पकने के बाद फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारा मिल्क पाउडर और जो मिल्क का जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, जो हमारा मावा है वो तैयार होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, जब आप ये मोदक बनाएंगे तब ध्यान रखिएगा कि नॉनस्टिक बर्तन ही ले ये बनाने के लिए, वरना जो दूध है वो हमारा बहुत जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। नॉनस्टिक बर्तन में डर नहीं होता नीचे लगने का, इसीलिए नॉनस्टिक बर्तन यूज कीजिए। करीबन 5 से 6 मिनट और लगेंगे मेरे ये मावा को पकने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, जो मेरा मावा है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इस समय पे जो मैं मेरी गैस की फ्लेम है उसे स्लो कर देती हूँ और मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी जब तक ये जो मेरा मावा है वो साइड्स नहीं छोड़ देता है। फ्रेंड्स, इस समय में मैं इसके अंदर मैंने जो मेरा रोज सिरप लिया था वो रोज सिरप मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और इसे मैं अब पका लूंगी। रोज सिरप भी इसके अंदर मैं एकदम अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। लो फ्लेम पे ही फ्रेंड्स, मैं अब इसे एकदम अच्छे से पका लूंगी जब तक मेरा मावा जो है वो रेडी नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था उसमें हल्का सा मीठापन होता है और जो हमारा रोज सिरप है उसमें तो काफी मीठा होता है, तो हमें इसमें अलग से शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर शक्कर कम है तो आप थोड़ी सी इसके अंदर पीसी हुई शक्कर इस समय डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, जो मेरा मावा है वो एकदम इकट्ठा हो गया है और ये देखिए, जब मैं इसे इस तरीके से हटा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी पैन पे चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब जो मेरा जो मावा है वो रेडी है। अब फिर मैं फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं एक चम्मच रोज एसेंस का डाल दूंगी और इसे मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मेरा जो रोज मावा मोदक है उसका जो मिक्सचर है वो एकदम तैयार हो गया है। गैस को अब मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ और इस मिक्सचर को मैं एक प्लेट के ऊपर निकाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए मोदक तैयार करने के लिए। ये जो मेरा मिक्सचर तैयार किया था मैंने, वो अब एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये मोदक का मोल्ड ले लिया है। सबसे पहले मैं दोनों साइड से इसे अंदर की तरफ से घी से ग्रीस कर लूंगी ताकि जो मेरा मोदक है वो इसे इसके ऊपर चिपके नहीं। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं
इसे बंद कर लूंगी और जो मैंने फिलिंग तैयार की है वो एकदम अच्छे से मैं इस मोल्ड के अंदर भरती जाऊंगी। बीच से फ्रेंड्स मैं ऐसे थोड़ा सा गैप रख लूंगी अपनी फिलिंग डालने के लिए। ये देखिए, अब जो मैंने टूटी फूटी ली थी जो मेरी फिलिंग थी वो इसके अंदर मैं इस तरीके से भर दूंगी और थोड़ी और फिलिंग मैं लेके इसको एकदम अच्छे से इस तरीके से कवर कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा एक्सेस मोदक जो लगा हुआ है उसे मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स इसे मैं ओपन करती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर फ्रेंड्स हमारा मोदक का शेप तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारा मोदक रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं और भी मोदक तैयार करती जाती हूँ। और इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने मेरे सभी मोदक को तैयार कर लिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये मोदक की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इसे जरूर ट्राई करना और इस गणेश चतुर्थी पे भगवान जी के लिए आप जरूर इस मोदक का प्रसाद तैयार करना। फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन दबा के मेरे चैनल रजनी की रसोई से को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।